हेलो गाइस, आज मैं आया हूँ बांग्लादेश का बॉर्डर देखने। भाई मेरे साथ जान भाई हैं, तो इनको वो चैन का मशीन आया था, तो मैंने सोचा चलिए एक विजिट किया जाए, बांग्लादेश का बॉर्डर देखा जाए। मेरे आगे ही बॉर्डर है, बिल्कुल आगे है। और ये थोड़ा सा पीछे का व्यू देखिए, कितनी हरियाली है। ये आए हम इनकी बाइक एवेंजर, ये सब देख रहे हैं ना, ये बागान है, ठीक है। और ये जो बीच में गंगा जी है, बांग्लादेश में दूसरा नाम है इसका, गंगा के उस पार बांग्लादेश है, इस पार इंडिया में है। तो हम इधर अभी इंडिया में खड़े हैं। और जो छोटी छोटी आप झोंपड़ी देख रहे हो ना, ये सब क्या है, ये सब BSF का पोस्ट है, झोंपड़ी नहीं है। और इधर दिन के मतलब 5 बजे तक अलाउ हुआ है, उसके बाद फिर आपको बहुत ही परमिशन लेनी होगी, आप जा नहीं सकते हो। तो चलिए उस पार जाके चलते हैं, बांग्लादेश कैसा देखते हैं। तो नदी के जा रहे हैं, देखते हैं नदी के पास जाके क्या हम बिना वीजा बिना पासपोर्ट के बांग्लादेश जा सकते हैं क्या। जान भाई ने बताया है कि ये जो रेत देख रही है, ये रेत नहीं है, दरअसल इसके नीचे पानी है, दलदल है, ये थोड़ा देख के जाना है, नहीं तो आप इसके नीचे भी जा सकते हो, धस जाओगे। ये बांग्लादेश आ गए, अभी कहाँ है, अभी तो नदी पार करने के बाद बांग्लादेश पहुंच जाएंगे। ये देखिए भाई कितनी बड़ी नदी है, मतलब गंगा जी है। उधर ये मछली पकड़ रहे हैं लोग, ये सामने BSF की पोस्ट है। और पोस्ट नदी पार करते बांग्लादेश है, इधर इंडिया है। ये देखिए बहुत ही कमाल का नजारा भाई, क्या बात है। मैंने सोचा छोटा नदी है, इसको तो पार करना भी बहुत मुश्किल है, बहुत बड़ा है। कैसा लगा भाई बांग्लादेश का बॉर्डर, इंडिया बांग्लादेश का, जरूर बताइए। आग किसने लगाई है, BSF वालों ने, क्यों? क्या चीज खराब हो गया, इसमें नहा सकते हैं? तैरना आना चाहिए, मेरे को तो नहीं आता, बहुत गहरा है। उधर देखिए कुछ बच्चा लोग, क्या ये फिर गया बोट, तो फिर जा रहा है बांग्लादेश, है छोड़ के फिर सवारी लेके आएगा उधर से। इधर से नहीं जाता है कोई, इधर से अभी उधर से आएगा, फिर साथ रात के टाइम में वापस जाएगा, 10-12 बजे के बाद इधर से जाएगा। अच्छा, अभी टाइम दिया हुआ है। अच्छा, चलिए थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।